नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। जिस दौर में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर तमाम तरीके की पाबंदियां थीं, उस दौर में देविका रानी ने यह तय किया कि मैं फिल्मों में काम करूंगी। 30 मार्च साल 1908 को आंध्र प्रदेश के वोल्टेयर में जन्मी देविका रानी, जिनके पिता कर्नल M.N. चौधरी एक समृद्ध बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे और भारत के पहले सर्जन जनरल होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त था। देविका रानी की सारी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई है। पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला लिया और ये उस दौर में हो रहा था जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने की छूट आज के संदर्भ में समझेंगे तो बिल्कुल नहीं थी। घर वालों ने नाराजगी जताई कि कुछ और करना चाहो तो कर लो, ये एक्टिंग मत करो। देविका ने इंग्लैंड में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय की पढ़ाई की और इसके बाद वास्तुकला में डिप्लोमा किया। इसी बीच बुसर बुल्फ नामक एक फिल्म डायरेक्टर थे, उनकी वास्तुकला की योग्यता से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने देविका रानी को अपनी कंपनी में बतौर डिज़ाइनर नियुक्त कर दिया। इसी दौरान देविका रानी की मुलाकात हिमांशु रॉय से होती है, मशहूर डायरेक्टर। हिमांशु रॉय देविका रानी की खूबसूरती को देखकर इस कदर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो तुरंत अपनी अगली फिल्म कर्मा का प्रस्ताव देविका रानी के सामने रख देते हैं और देविका रानी फौरन उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति देती है। साल 1933, हिमांशु रॉय ने फिल्म कर्मा में नायक की भूमिका निभाई। वो उसके हीरो थे और हीरोइन थी देविका रानी। कर्मा में देविका रानी ने हिमांशु रॉय के साथ लगभग 4 मिनट का किस सीन देकर सबको चौंका दिया। सोचिए जरा, जिस दौर में लड़कियों के बाहर निकलने पर तमाम तरीके की पाबंदियां थी, बहुत अच्छा नहीं माना जाता था फिल्मों में काम करना, उस दौर में किसिंग सीन, वो भी 4 मिनट का, पूरा देश सन्न रह गया एक तरीके से, सभी चौंक गए। इसके लिए देविका रानी की तमाम तरीके की आलोचनाएं भी हुई, फिल्म को प्रतिबंधित तक कर दिया गया। सोचिए जरा, कल्पना करिए कि आज के दौर में अगर किसिंग सीन ना हो तो फिल्में चलती नहीं हैं और उस दौर में 4 मिनट के किसिंग सीन के लिए पूरी फिल्म को बैन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद देविका रानी ने हिमांशु रॉय से शादी कर ली। इसके बाद देविका रानी ने पति हिमांशु रॉय के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज का निर्माण किया स्टूडियो, जिसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में बनी। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर जैसे तमाम सितारों का करियर इस बॉम्बे टॉकीज ने बनाया और दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय भी देविका रानी को ही जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।